नेम प्लेट का मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। देखना ये चाहिए योगी जी को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें कोई सिंथेटिक चीज तो नहीं डाली जा रही है, एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी को कंट्रोल करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होटल रेस्टोरेंट पर दिए गए आदेश पर कहा, अगर कोई घटना हुई है तो इन्हीं एक दो लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए, ये थोड़ी है ऐसा सबके लिए लागू कर दोगे। बता दें दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर सपा सांसद का कहना है कि देखिए मेरे हिसाब से नेम प्लेट का कोई बेनिफिट नहीं है, योगी जी को ये देखना चाहिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, कोई सिंथेटिक चीज ना डाली जाए, अगर क्वालिटी को बेहतर करें तो ठीक रहेगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गड़बड़ तो कोई भी कर सकता है, हिंदू नाम के व्यक्ति से भी खामी हो सकती है, देखिए और क्या कहा। मान लीजिए कहीं कोई वाकया हुआ भी हो तो उसको भाई उसी तरह लिया जाना चाहिए, उसी को ही उस जो भी किसी एक ने कोई गलती की है या दो ने कोई गलती की है तो उनको ही चिन्हित करना चाहिए। ये कोई एक कॉमन बात तो है नहीं, वही जगह जगह फूड काउंटर्स होते हैं, ठेले होते हैं, ढाबे होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, तो ये थोड़ी है कि एक जनरलाइज कर दोगे उस चीज़ को कि हर जगह यही हो रहा है। तो ये जो भी अगर कोई कहीं दोषी है तो बस उसी को ही चिन्हित करें, इसे जनरलाइज ना किया जाए। नेम प्लेट का मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है कि नेम प्लेट लगाएं। देखना ये चाहिए योगी जी को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, कोई उसमें सिंथेटिक कोई फूड जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें कोई सिंथेटिक चीज़ तो नहीं डाली जा रही है, कोई उसमें कलर तो नहीं डाले जा रहे हैं, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी को कंट्रोल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम क्या हो, नाम तो कोई भी मतलब कोई हिंदू नाम का जो मतलब बनाने वाला है उससे भी कोई खामी हो सकती है, मुस्लिम नाम का कोई है, कोई सरदार है, कोई ईसाई है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्वालिटी को कंट्रोल करें, नाम से कोई मैटर नहीं करता। ना एनकाउंटर इस सरकार में मुझे जहाँ तक नॉलेज है 207 एनकाउंटर इस सरकार में, इस बीजेपी की सरकार में हुए हैं, जो कि पहली सरकारों के मुकाबले बहुत आगे हैं। तो ये जो एनकाउंटर की प्रथा चली है ये बहुत गलत है, और मैं तो कहूँगी कि इसमें उच्च न्यायालय इंटरवीन करे, उच्च न्यायालय इन लोगों इन चीज़ों का संज्ञान ले। जिस तरह से बुलडोज़र पे पाबंदी लगाई है और आम आदमी को राहत मिली है, तो मैं तो चाहूँगी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें इंटरवीन करे और इन तरह की चीज़ों पर रोक लगे। में भी तो लोगों को जो मतलब ज़मीनें हैं, लोगों ने जो भाई उस वक्त के बड़े लोग थे जो दान दे सकते थे, उन्होंने अपने लोगों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए या उनके पढ़ाई के लिए या उनके मतलब मदरसा बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए अगर अपनी ज़मीनें दान दी थी वक्फ में, तो उनका वेरिफिकेशन तो हो सकता है, लेकिन इस तरह का मैसेज जो देने का काम हो रहा है ये बिल्कुल अनुचित है कि ये और वो जो ये हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ मैसेज देने का काम हो रहा है, परेशान करने का काम हो रहा है। हमारा तो धर्म निरपेक्ष देश है, हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई का दर्जा मिला है, सबने इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है, तो ये हमारा देश तो गंगा जमनी तहजीब का देश है, तो ये किसने कह दिया हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं है।